इकोनॉमिक सेंटर में होली पर खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का नाम रखा गया अभी अभिज्ञान फाउंडेशन के। इस प्रोग्राम में अफगानिस्तान से आए मेहमानों ने एक साथ होली मनाई और रुबाब की धुन से सबका मन मोह लिया। प्रोग्राम के दौरान हिंदू और मुस्लिम सभी ने मिलकर होली मनाई और एक दूसरे को गुलाल भी लगाया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा के बाद इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसी सौहार्द का संदेश सबको दिया गया। अफगानी रुबाब की ये धुन दिल्ली को आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दे रही है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में अभिज्ञान फाउंडेशन के सालाना उत्सव कबीर का आयोजन किया गया। इस मौके पर अफगान से आए कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। मुसलमान सभी होली के रंग में रंगे नजर आए। ये भी एक मिसाल है कि यहाँ पे अभी जो सेलिब्रेट हो रहा है इसमें तमाम हिंदू मुस्लिम देश विदेश सारी दुनिया से लोग आए हैं, अफगानिस्तान से लोग आए हैं, तमाम मुस्लिम कंट्री से लोग आए हुए हैं और हमारे साथ ये फेस्टिवल मना रहे हैं। इवन हमारे दिल्ली के तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल है, तमाम मुस्लिम भाई, तमाम हिंदू लोग, सब लोग इसमें शामिल है। वहाँ पे हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस सालाना जलसे में समाज सेवियों को सम्मानित किया गया, साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया जिससे इस्तांबुल में रह रहे रिफ्यूजियों को मदद मिलेगी। फरीद अली, दिल्ली आज तक।